सम कर्नल ऑफ होमोमार्फिजम आपके पास अगर उसको जैसे आप आई का नाम दे दें तो अगर आपके पास uh, phi जो है वो ring homomorphism बन जाता है है ठीक तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे हम एक सब्जेक्टिव जो है वो रिंग होमोमोर्फिजम बनाएंगे किसी और रिंग को उसका कर्नल बनाएंगे और फिर फर्स्ट थ्योरम को यूज करते हुए हम गारंटी uh, करेंगे दो जो है आपके पास रिंग जो है वो आइसोम हो गए ठीक है जी तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी ये आपके पास स्टेटमेंट है थर्ड आइसोम रिंग्स की आई जे आइडियल्स ऑफ आर विद आई इज इन जे मींस यहां से एविडेंट है कि आई इज रिंग ऑफ जे एज वेल देन जे ओवर आई विच इज अ क्वेश्चन ऑफ आर ओवर आई एंड दिस रिंग दिस क्वेश्चन रिंग ठीक is तो 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 है एक तो चेन ये है हमारे पास आई कंटेंट इन जे जे इज कंटेंट इन आर तो यहाँ से क्लियर है कि आई जो है ना सिर्फ जो है आपका आर का जो है वो सब रिंग है आई इज ऑल्सो ठीक है ऑफ जे आई इज सबरिंग ऑफ जे हो गया और फर्दर जो है आई इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ आर बिकॉज आई इज एन आइडियल ऑफ आर एंड एलिमेंट्स ऑफ जे आर नॉट डिट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ आर ठीक है जी जे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आर से ही आ रहे हैं ठीक है कहीं और से नहीं आ रहे तो इस वजह से आई वि क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ जे टू तो इस वजह से आई जो है इट इज एन आइडियल ऑफ जे तो जब ये आइडियल बन गया है जे का तो अब हमारे पास गारंटी है दैट वी हैव अ रिंग जे जे ओवर आई आई क्योंकि हैज बिकम आइडियल ऑफ अच्छा फर्दर जो है हमने अब ये देखना है कि ये क्वेश्चन है जिसमें ऊपर एक क्वेश्चन है आर ओवर आई और नीचे दूसरा क्वेश्चन रिंग है आर जे ओवर आई तो इसमें हमें क्वेश्चन रिंग बनाने के लिए नीचे वाले को आइडियल बनाना पड़ेगा और ये हमारे स्टेटमेंट का हिस्सा भी है कि जे ओवर आई दिस क्वेश्चन रिंग और फिर मल्टीप्लीकेशन है क्या है जी इस तरह के कोश हैं जे के एलिमेंट्स में आप जो है ये सब रिंग आई जो है वो एड कर रहे हैं ठीक है ये हमें पहले से पता है कि दिस इज अश रिंग ठीक है जी और इस तरफ किस तरह के आपके पास कॉन्टेंट्स है इस तरह के कोसेट्स से हैं वे आर कोर्स यहाँ पे जे के एलिमेंट्स जो हैं वो आर से आए हुए हैं ठीक है जी आर इज रिंग एंड जे इज इट्स सब रिंग तो ये जो आपके पास क्वेश्चन रिंग है जैसे आपके पास दो सेट्स के बिटवीन हमने ये सबसेट लिखा हुआ है ठीक है जी आ, मैंने इसको पहले उल्टा सिंपल बनाया था इसको मैंने ठीक किया और भी कोई गलती नजर आए तो उसको काइंडली थी, ठीक कर लीजिएगा तो ये जो आपके पास कंटेंट्स हैं जे ओवर आई के ये सब सेट है आर ओवर आई का ठीक है जी सही है तो रिंग का स्ट्रक्चर तो दोनों का ही है और ये रिंग जो है इसके अंदर कंटेन कर रहा है क्वेश्चन आई इज कंटेन इन रिंग आर ओवर आई रीजन क्या है ये आपके पास लिखा हुआ है जे फ्रॉम आई जे फ्रॉम जे इज ऑल्सो फ्रॉम आर ठीक है जी क्योंकि जे जो है वो सब रिंग है आर का तो ये जो है आपके पास बड़ी क्लास है ये उससे छोटी क्लास है ठीक है जी ये भी रिंग है ये भी रिंग है तो ये इसका सब रिंग बन गया ठीक है जी अच्छा फर्दर आपने आप प्रूव ये करना है कि ये आइडियल है तो उसके लिए आप इसको प्रूव करेंगे कि दिस इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ दिस रिंग जिसका आपने उसको आइडियल बनाना है ठीक है जी पहले आपने जे ओवर आई को प्रूव किया है जे ओवर आई इज अ सब रिंग ऑफ आर ओवर आई ठीक है जी अब हम Close multiplication prove करेंगे ठीक है है, जी? आपने ये जो आपके पास रिंग R over I है, एलिमेंट ले लिया और अब आप ये चेक कर दें कि अगर आप क्वेश्चन आई के एलिमेंट्स को ये जे ओवर आई ठीक है के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या ये जो नया सेट बनता है इज इट कंटेन्ड इन जे ओवर आई तो देख लेते हैं जी ठीक है जी तो अब आपके पास बेसिकली ये जो है इसके कंटेंट्स किस तरह के हैं इस, इस तरह इसके कंटेंट्स ऐसे हैं कि r i विल बी मल्टीप्लाइड बाय j i पर j फ्रॉम j ठीक है जी तो ये वाले को को सेट्स जो हैं ये इनके को सेटस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और को सेटस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है जी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे r और j और एक नया कोसेट बन जाएगा i के साथ rj i j फ्रॉम j अच्छा अब इसमें जानने की बात ये है कि जे जो था दिस वाज एन आइडियल ऑफ आर तो आर जे विल बी अगेन एन एन एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ऑफ जे 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 आर आर विल बी तो प्लस आई विल बी कंटेड इन ठीक है जी दिस विल बी कंटेड इन जे ओवर आई तो दोबारा से जे ओवर आई का ही कोई सबसेट बनेगा क्योंकि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ जे तो दिस इज सम पार्ट ऑफ जे ओवर आई ठीक है दोबारा से ठीक है जी ठीक है ये आपके पास रीजन हो गए कि r आई को जब आपने मल्टीप्लाई किया कोशेंट रिंग j ओवर आई के साथ तो इट विल बी कंटेंड इन j ओवर आई क्योंकि rj विल बिलोंग टू j बिकॉज़ j इज एन आइडियल ऑफ r ठीक है तो ऐसे बिल्कुल सिमिलरली दूसरी साइड मैंने नहीं लिखी आपने इसी मल्टीप्लिकेशन को अब जो है राइट साइड से कर देना है सेम लॉजिक ठीक है जो सारा कुछ वही तो आपके पास अप्रूव आप कर देंगे कि ये जो जे ओवर आई है इट इज क्लोजर मल्टीप्लीकेशन एलिमेंट्स ऑफ आर ओवर आई तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जे ओवर आई इज एन आइडियल ऑफ आर ओवर आई ठीक है तो ये लिखा हुआ है जे ओवर आई इज एन आइडियल ऑफ आर ओवर आई जब ये आइडियल है तो हम ये वाला क्वेश्चन रिंग बना सकते हैं जिसमें ऊपर एक क्वेश्चन रिंग है आर ओवर आई और नीचे एक दूसरा क्वेश्चन रिंग जो कि उसका आइडियल है ऊपर वाले का वो लिखा हुआ है जे ओवर आई अच्छा अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमने अभी क्वेश्चन बनाया है ये वाला दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ओवर जे तो उसके लिए जैसा मैंने इनिशियली स्टार्ट में आपको मेंशन किया था कि हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है उसको यूज करेंगे ठीक है जी थी, हम एक जो है मैपिंग देंगे और और मैपिंग हम देंगे आर ओवर आई से आर ओवर जे के ऊपर उसको सरजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे और लेटर जो है ये जो नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन रिंग जे और आई इसको कर्नल प्रूव कर देंगे उस होमोमॉर्फिज्म का ठीक है जी ठीक है कोसेट आर प्लस जे ठीक है जी आर के हर एलिमेंट से एक कोसेट बना आई के साथ आपने उसी एलिमेंट से जो जे के साथ कोसेट बनाया उस पर जाके उसको मैप कर दिया फाइव ऑफ आर प्लस आई

तो सबसे पहले तो हमने क्योंकि फाई को खुद से जो है एक डेफिनेशन दी है तो उस डेफिनेशन की वैलिडिटी जो है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि फाइ इज वेल डिफाइंड तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने ये जो आपके पास आर ओवर आई थे अथा इसके दो कोसेट्स को, को इक्वल ले लिया एक है आर प्लस आई दूसरा है आर प्राइम प्लस आई और हम शो करेंगे कि अगर दो कोसेट्स आर ओवर आई ये जो क्लास है क्वेश्चन रिंग इसके इक्वल है तो आर ओवर जे में उनका इमेज भी सेम होगा डिफरेंट इमेज नहीं हो सकता ठीक है जी तो अगर ये दो कोसेट इक्वल हैं तो आर प्राइम को दूसरी तरफ भेज जाए मीन्स आर माइनस आर प्राइम जो है बिल प्लस आई इज इक्वल टू तो आई हो गया मीन आर माइनस आर प्राइम जो है बिलोंग्स टू आई हो गया यहाँ से आपके पास अब एक और चीज है कि आई इज कंटेन इन जे जब I is contained in J है तो इसका मतलब R minus R prime belongs to J हो गया अब दोबारा से दोनों तरफ J ऐड कर दें J ही आएगा क्योंकि तो J का ही एलिमेंट है उसमें J ऐड करेंगे तो J आएगा ये जो माइनस में R prime है इसको दूसरी तरफ ले जाए तो R plus J will be equal to R prime plus J R plus J जो है वो phi of R plus I है R prime plus J जो है वो phi of R prime plus I है तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि ये जो दो कोसेट्स इक्वल थे उनके इमेजेस भी इक्वल हो गए ठीक है जी तो यहां तक फाइव जो है वो वेल डिफाइंड हो गया अब फाइव को आपने प्रूव करना है तो सबसे पहले तो एडिशन को देखते हैं हम प्रिजर्व करता है कि नहीं दो कोसेट्स को ऐड को किया उसके ऊपर फाइल लगाया एडिशन इस तरह से होती है कोसेट्स की जो रिप्रेजेंटेटिव जो को कोसेट बना रहे हैं इनको ऐड कर दें ठीक है जी और बाई डेफिनेशन जब फाइव इसको मैप करेगा तो क्या करेगा सिर्फ ये जो आई से बन बना रहे थे कोसेट्स इनको जे से बना देगा ठीक है जी तो आर प्लस आर प्राइम प्लस जे हो गया ये दो कोसेट्स का सम हो गया आर प्लस जे आर प्राइम प्लस जे ठीक है ये इमेज हो गया पहले वाला जो है आर प्लस आई का ये इमेज हो गया आर प्राइम प्लस जे का तो एडिशन प्रिजर्व होगी सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन में आपने दो कोसेट्स को, को मल्टीप्लाई किया उसको इस तरह से लिख लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के साथ कोसेट बना दिया ठीक है जी और फिर फाई की डेफिनेशन लगी आई जो था वो जे बन गया ठीक है जी और फिर इसको दोबारा से आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया वापस, प्रोडक्ट हो गया आर प्लस ए प्राइम प्लस जे और ये दोनों जो है इमेजेस हैं आर प्लस आई के और आर प्लाई आर प्राइम प्लस जे आ, आई के सॉरी तो इस तरह से आपके पास मल्टीप्लीकेशन भी प्रिजर्व होगी तो ये दो लाइनों में आपने देखा कि आपका जो फाइव है मल्टीप्लीकेशन को, को भी प्रिजर्व कर रहा है तो फाइव इज होमोमॉर्फिज्म अच्छा नेक्स्ट तीसरा आपने चेक करना है कि फाइव सब्जेक्टिव है कि नहीं देखें आपके पास यहाँ जो भी क्लास है कोई आर प्लस जे तो उसी आर से यहाँ भी एक कोश मान रहा होगा

ठीक है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फाइव वेल डिफाइंड हो गया हो हो गया, हो गया, और last thing जो है कि कि इसका kernel जो है आपने प्रूव करना है है। आपने करना वो ये वाला है, kernel of homomorphism J over I. तो, तो उसको हम प्रूव करते हैं कि कर्नल ऑफ फाइव जो है वो जे ओवर आई है ठीक है जी तो आपके पास कर्नल ऑफ फाइव बेसिकली होता क्या है ये जो आपके पास ये रिंग है जहां पे आपकी डोमेन है इसका एक सबसेट होता है. तो, तो यहाँ से होगा R R. है जी? तो यह इस तरह का एलिमेंट लिया कर्नल क्या करेगा जब ये आर प्लस आई कर्नल का एलिमेंट है तो दूसरी साइड की आइडेंटिटी में मैप करेगा वो क्या है जी जे तो फाइव ऑफ आर प्लस आई क्या होना चाहिए इट शुड बी जे जबकि बाई डेफिनेशन फाइव ऑफ आर प्लस आई जो है वो होगा आर प्लस जे तो आपके पास आ गया आर प्लस जे इज इक्वल टू जे तो यहाँ से आर बिलोंग्स टू जे जब आर बिलोंग्स टू जे है तो आर प्लस आई को से हो गया ये इस क्वेश्चन रिंग की एक क्लास बन गई जे ओवर आई के बिकॉज आर बिलोंग्स टू जे तो वो एलिमेंट जो हमने कर्नल से लिया था आर प्लस आई वो बिलोंग कर गया है क्वेश्चन रिंग जे ओवर आई को तो यहाँ से आपके पास ये चीज आ गया

तो J प्लस J क्या आएगा इट विल बी इक्वल टू J और J प्लस J है क्या By definition, this is the image of J plus I. इस एलिमेंट का इमेज है J plus I का इमेज क्या हो गया J plus J. तो जब आपने J plus I का इमेज J बनाया तो ये तो आपके पास आइडेंटिटी है दूसरी साइड वाले uh, quotient ring की तो यहाँ से आ गया कि ये जो आपके पास J plus I है इट बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ आई तो अब आपके पास जे ओवर आई इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ फाइव तो वन और टू को अगर मिला के देखा जाए तो जे ओवर आई इट सेल्फ जो है यही जो है हमारा कर्नल ऑफ फाई है थ्योरम का कहता है कि ये जो आपने होमोमॉर्फिज्म बनाया था और वो सरजेक्टिव भी कर दिया आपने अदरवाइज यहाँ पे हम इमेज ऑफ फाई यूज करते तो सर्जेक्टिव होने की वजह से ये वाला रिंग ओवर कर्नल ऑफ फाई पोषण रिंग जो बनता है इज आइसोमफिक टू दिस रिंग ठीक है सब्जेक्टिव बना दिया इसलिए यहाँ पे ये यह पूरा रिंग आ जाएगा अदरवाइज यहाँ पे इमेज आता होता है ठीक है तो ये है आपके पास आर ओवर आई ओवर कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज सब्जेक्टिव रेस की वजह से इमेज की जगह आर ओवर जे आ गया और कर्नल ऑफ आई को आपने पहले से प्रूव किया हुआ है दिस इज जे ओवर आई तो आपके पास प्रूव हो गया आर ओवर आई ओवर जे ओवर आई इज आइसोमॉर्फिक टू आर ओवर जे क्वेश्चन रिंग ठीक है जी थी? तो ये आपने थर्ड आफम रिंग्स कर दिया ठीक है जी थी। थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़